हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट डेट नोटिफिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस जिनकी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, सिर्फ एक वीक का आपके पास में टाइम बचा हुआ है। सो दोस्तों, उन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लगभग 5 से 6 ऐसे नोटिफिकेशंस है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2020 टर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके जून 2020 एग्जाम्स को इग्नू की तरफ से पोस्टपोन कर दिया गया और आपके एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे, कंडक्ट भी होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में अभी तक इग्नू की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ लास्ट डेट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लास्ट डेट नोटिफिकेशन से पहले एक इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इग्नू में नया एडमिशन लेना चाहते हैं। सो दोस्तों, इग्नू की तरफ से नए एडमिशन्स स्टार्ट कर दिए गए। दोस्तों, आपके एडमिशन के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट दी गई है। हालांकि इसे बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में नया एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्सेज के लिए इग्नू की तरफ से नए एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। अभी दोस्तों बात करते हैं आपके लास्ट डेट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए 15 जून की लास्ट डेट दी गई है। सो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो सभी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए फ़िलहाल 15 जून की लास्ट डेट दी गई है। आप चाहें तो अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में आपके स्टडी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं तो आप चाहें तो उन्हें ऑफलाइन भी अपने स्टडी सेंटर पे जाके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं वो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी कोविड-19 की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब होके रखी है। ऐसे केस में दोस्तों, अगर इग्नू की तरफ से ऐसा डिसीजन लिया गया कि आप सभी स्टूडेंट्स को आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपके असाइनमेंट के बेस पे आपको प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपना असाइनमेंट जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है। दोस्तों, जनरली आपको री एडमिशन अप्लाई करने के लिए 30 अप्रैल की लास्ट डेट दी जाती है, लेकिन अभी इस बार इग्नू की तरफ से इसे एक्सटेंड करके 31 मई तक कर दिया गया था। इसके बाद में इसे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया और अभी आपके री एडमिशन की लास्ट डेट के लिए 15 जून का लास्ट डेट दिया गया है। दोस्तों, री एडमिशन के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है, इसलिए दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को री एडमिशन के लिए अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी अपना री एडमिशन का फॉर्म फिलअप करके और उसे पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए भी लास्ट डेट दी गई है 15 जून। आप अगर ऑनलाइन सबमिट करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो दोस्तों दोनों के लिए ही 15 जून की लास्ट डेट दी गई है। इसलिए दोस्तों, आप अपने प्रोजेक्ट भी अभी 15 जून से पहले जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी इग्नू से PhD करना चाहते हैं या फिर MBA करना चाहते हैं। सो दोस्तों, PhD इंट्रेंस एग्जाम और MBA के लिए ओपनमैट 47 के इंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट को अभी एक्सटेंड करके 15 जून तक कर दिया गया। आप अभी 15 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी दिसंबर 2019 में अपने टर्मेंट एग्जामिनेशंस दिए थे। अगर दोस्तों आपके रिजल्ट 20 फरवरी के बाद में डिक्लेयर हुए थे और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपने री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी आप इसके लिए 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों, इग्नू की तरफ से री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं जुलाई 2020 सेशन के लिए। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 सेशन में एडमिशन लिया था या उससे पहले जनवरी 2019 सेशन में एडमिशन लिया था,
और अभी तक आपने अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप अभी अपना री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इग्नू की तरफ से सभी कोर्सेज के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए। आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून की लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों आप यहां पे कंफ्यूज ना हो, बाकी सभी के लिए जिसके लिए भी अभी तक मैंने बात की उन सभी की 15 जून लास्ट डेट दी गई है और आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून की लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर से आपके असाइनमेंट्स के लिए रिमाइंड करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो सिचुएशन है ऐसे टाइम पे इग्नू को डिसाइड करना है कि आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना, आपको किस बेसिस पे प्रमोट किया जाए। सो दोस्तों अगर आपके असाइनमेंट के बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है तो आपको इसके लिए अपने असाइनमेंट जमा करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप अभी टाइम रहते अपने असाइनमेंट्स जमा करवा दीजिए। असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने का पूरा तरीका मैंने आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है, जिनमें आप अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे या आपके स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पे, या फिर दोस्तों आपको अगर गूगल फॉर्म में अपने असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं तो इन सभी तरीकों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। आप अगर उनको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और दोस्तों असाइनमेंट की पीडीएफ किस तरीके से बनानी है इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई है। सो दोस्तों आप अभी अपना असाइनमेंट्स जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए। जैसा कि सभी नोटिफिकेशंस के बारे में ऑलमोस्ट 15 जून की लास्ट डेट दी गई है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, अगर आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।